घटना छिबरामऊ के कन्नौज जिले के छिबरामऊ क्षेत्र में दहेज के लालची पति सहित ससुराल वालों ने विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया। मृतका के परिजनों ने ससुरालियों पर दहेज की मांग का भी आरोप लगाया है। घटना छिबरामऊ क्षेत्र के उधरनपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि कानपुर देहात निवासी विजय लक्ष्मी ने अपनी बेटी की शादी उधरनपुर निवासी कल्लू सविता नाम से युवक की थी। अपनी क्षमता से बढ़कर दान दहेज भी दिया था, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं दे पाए थे, जिसके चलते कल्लू आए दिन अपनी पत्नी मोहिनी को मारा पीटा करते थे। केसरी न्यूदा गांव की रहने वाली हूँ। मैंने छिबरामऊ के पास उधरनपुर गांव में शादी की थी, सन 2014 में की थी, 12 में की थी। और इसके बाद उनका मामला ये था, इन्होंने दहेज मांगा, मैंने इन्हें सारा दहेज दिया। मैंने 2 तोला की लर भी दी, अंगूठी भी दी, फ्रिज कूलर मैंने सब कुछ इन्हें दिया। इसके बाद गाड़ी मैं नहीं दे पाई, गाड़ी की वजह से ये मारते पीटते थे। धीरे धीरे मैटर सुलझ गया, इन्होंने गाड़ी की मांग कम कर दी। करने के बाद धीरे धीरे भाभी को रखे थे ये, भाभी से इनका मैटर चल रहा था। हमारी बहन कहती रही, ये मानते नहीं रहे। फिर एक बार मैं गई, मेरे को बुलाया तो मैं गई वहाँ पे, तो इन्होंने 15 दिन में रुक के आई। मैंने भाभी और देवर को साथ में रंगे हाथ पकड़े, मैंने गांव वालों से हल्ला मचाया और मैंने सबूत दिखाया, गांव वालों को मैंने दिखाया और वो सबूत हैं मेरे पास। इसके बाद में इनको समझा दिया कि ऐसा है, आप सुधर जाओ। इन्होंने नहीं सुधरे और 28 तारीख से मेरी बहन ने इनको साथ में वही 12-1 बजे तक लेटे मेरी बहन के साथ। लेटने के बाद ये 1 बजे निकाला है मेरी बहन के पास से, ये अपने भाभी के साथ लेटे। मेरी बहन वहाँ से गई, इनको रंगे हाथ में पकड़ लिया, दोनों बेपर्दे पड़े हुए थे। इन्होंने भाभी देवर और उनकी लड़की और सास मिलके मारा। मेरी बहन ने फ़ोन किया मेरे पास, मैं बेटी ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा दीदी कोई बात नहीं, मैके फ़ोन करो। बोली मैं मैके नहीं करूँगी फ़ोन, क्योंकि मेरी ज़िंदगी यहीं से कटना है। मैंने इनके गाँव वालों के पास फ़ोन किया, उन्होंने कहा चलो हम समझा देंगे। समझाया उन्होंने, इनके समझ में नहीं आया। दूसरे दिन फिर खुलेआम पकड़ लिया उसने, तो इन्होंने जाके ना मेरी बहन को अंदर जो पीछे कच्चा कमरा बना हुआ था, इन्होंने मुंह दाबा और जो भाभी थी उसने पैर पकड़े, आदमी ने सिर पे छाती पे बैठ के मुंह दाबा और उसकी बहन जो लड़की थी उसने हाथ पकड़े। ससुर बाहर खड़ा रहा, सास भी थी मारने में, 4 लोग थे। ससुर से बाहर चिल्ला रही, पापा बचा लो, पापा बचा लो, पापा डर की वजह से बाहर खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं पापा। क्या पापा बाहर जाके हल्ला नहीं मचा सकते थे? पापा देखते रहे खड़े खड़े, मेरी बहन मरवाई। हमारी 1 तारीख को बात हुई है, 1 जनवरी में 2019 में, 1 तारीख को मेरी बहन ने खुले हाथ पकड़ा। हमेशा मारते पीटते थे, जब से शादी होके आई थी, जब भी वो भाभी के साथ में लेटे हुए देखती थी तब भी वो पकड़ लेती थी, तब उसको पूरा घर मारता था, सभी लोग मारते थे। इसके बाद में वो धीरे धीरे सोचती रही सुलझ जाएगा, लेकिन सुलझा नहीं। वो 3 दिन से बराबर पकड़ रही है, तब इन्होंने उसकी जान हत्या की, भाभी की वजह से, कुछ दहेज की वजह से। मृतका की बहन ने बताया कि जब मेरी बहन इसका विरोध करती थी तो कल्लू उसको मारता पीटता था और मांग करता था। मृतका ने परिजनों पर आरोप लगाया है कि कल्लू और उसके घर वालों ने ही मोहिनी की हत्या की है। वही घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। मेरे पास जब मरीज आया तो वो मृत अवस्था में था और परिवार के लोगों द्वारा बताया गया कि उन्होंने दर्द की शिकायत थी उनको सवेरे से, और जिसमें कि उन लोगों के द्वारा और खुद मरीज के द्वारा, उनके द्वारा ये बताया गया कि मरीज के द्वारा भी लापरवाही ली गई कि ठीक है सही हो जाएगा सही हो जाएगा, और जब वो निढाल हो गई करीब 2 घंटे पहले, तब उनको ये लगा कि नहीं लेके चलना चाहिए, और फिर ई रिक्शे से जो है पेशेंट को लेके आए हम लोगों के पास। जब हम लोगों ने देखा तो वो पहले से ही जो है मृत अवस्था में थी, हम लोगों ने उसको मृत घोषित किया और उसको पोस्टमार्टम के लिए जो पुलिस के पास चिट्ठी भेज दिए जानकारी के लिए। मोहिनी नाम की महिला है, लगभग जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, उसकी मृत्यु हो गई थी कल अस्पताल में, और उसके परिजनों ने अभी कोई तहरीर नहीं दी है। जैसी तहरीर देते हैं फिर उस आधार पर उसने अभियोग पंजीकृत करके अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की है। ये सारी चीज़ें आगे इन्वेस्टिगेशन में का पार्ट है, आगे जैसे ही ये तहरीर देते हैं जो भी इनके आरोप रहते हैं उस आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और उसके आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी, उसी में सब क्लियर हो जाएगा।
जनपद लखीमपुर खीरी की ब्लॉक बांकेगंज के अंतर्गत ग्राम सभा ग्रांट नंबर 11 के मजरा रायपुर में सरकारी सुविधाओं को प्रधानपति लालता प्रसाद व लेखपाल द्वारा असहाय गरीबों को कंबल बांटे गए। प्रधानपति लालता प्रसाद ने बताया कि जिनकी आर्थिक स्थिति ठंडक से बचने की नहीं होती, उन गरीब महिलाओं पुरुषों को उप जिलाधिकारी के आदेश अनुसार गाँव गाँव जाकर ठंडक से बचने के लिए उन्हें हमारे व लेखपाल के माध्यम से कंबल बांटे जा रहे हैं। हम लोग गांव गांव इन सुविधाओं को पहुंचाकर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। इसी दौरान वहां पर आए हुए लेखपाल ने बताया कि सरकार ने एक योजना और निकाली है जिसका नाम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना चल रही है। जो ग्राम सभा में भूमिहीन व असहाय लोग हैं वह अपना बीमा ग्राम सभा के लेखपाल द्वारा करा सकते हैं। इस योजना में दुर्घटना व किसी प्रकार से मृत्यु होने पर उनके परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा हर शीतकालीन में गरीबों के लिए, असहायों के लिए, जो भूमिहीन है, कोई भी सहारा नहीं, उनके लिए कंबल वितरित किया जाता है। उसी क्रम में आज कंबल वितरित किए गए। इस समय प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा चल रही है योजना, जिसके अंदर जो है भूमिहीन व्यक्तियों का बीमा किया जाता है निःशुल्क। उसमें जो है कोई भी दुर्घटना होने पर या मृत्यु होने पर उसके परिवारजनों को, आश्रितों को लाभ मिलता है। वहाँ प्रत्येक लेखपाल अपने अपने क्षेत्रों में स्वयं कैंप लगा प्रधान तो इस वर्ष में पहली बार ग्राम पंचायत ग्रंट नंबर 11 रायपुर लेखपाल सर अविनाश मिश्रा। बेगूसराय के कावर झील इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध देसी शराब भट्टी को ध्वस्त किया। पुलिस ने मौके से 3 शराब तस्कर को एक मॉस्केट हथियार और शराब बनाने के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। मंझौल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कावर झील में अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है। थाना अध्यक्ष राजकुमार के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की और 150 टीम अवैध महुआ शराब को नष्ट किया। मौके से संजय कुमार, चंदन कुमार और राजू कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से एक देसी मास्केट और अवैध शराब बनाने का बर्तन, गैस सिलेंडर भी जब्त किया। पुलिस ने बताया कि यहां अवैध महुआ शराब बनाया जा रहा था जिसको नष्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक लड़की 3 मंजिला इमारत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो उसे बरेली या लखनऊ रेफर किया जाएगा। संदिग्ध अवस्था में हुई इस घटना का कारण कोई नहीं बता पा रहा है। शाहजहांपुर के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत काशीराम कॉलोनी में 3 मंजिला इमारत से गिरकर एक 20 वर्षीय लड़की घायल हो गई है। आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल पहुँचाया गया। हालांकि घर वालों का कहना है कि फिसलने का कारण हादसा हुआ है। कुलदीप शर्मा ये बहन थी, ये बाहर वो बात करने आई थी जगह पे और चक्कर आ गया और वहीं से ये नीचे आ गिर गया। तीसरी मंजिल से मीनू पास एक लड़की आई, उम्र 23 साल है, थाना कोतवाली का जो क्षेत्र का है। ये बताया जा रहा है कि छत से गिर पड़ी है, करीब 2 से 3 मंजिल से। हालत काफी गंभीर है, इलाज किया जाता है। जिले के सदर प्रखंड के बंद्वार गांव में पूर्व सांसद कॉमरेड चंद्रशेखर प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह समेत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। कन्हैया कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन बेगूसराय के लोगों के लिए हक हकूक और समस्याओं को लेकर लड़ते रहेंगे। कन्हैया ने कहा कि पार्टी और महागठबंधन से बातचीत हो रही है, सम्मति से जो निर्णय आएगा उसके बाद चुनाव लड़ने का फैसला होगा। महादलितों के द्वारा जमीन पर अवैध कब्जे में अगुवाई में नाम आने के सवाल पर कहा कि दिल्ली में भी देश के खिलाफ नारे लगने का आरोप लगा था, लेकिन 3 साल हो गए अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। उन्होंने किसानों की जमीन पर महादलितों के अवैध कब्जे को गलत बताते हुए कहा कि सरकार को महादलितों को पुनर्वासित करना चाहिए और कानून व्यवस्था लागू कर किसानों की भी जमीन को खाली करना चाहिए और महादलितों को सरकार जमीन देकर पुनर्वास भी करे। तो अभी तय नहीं है चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे ये तय। जो बेगूसराय के लोगों का सवाल है, रोजी रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल, विकास का सवाल, शांति और सौहार्द का सवाल, यहाँ से जो बड़े पैमाने पे लोगों को पलायन करना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, तो उस विस्थापन के खिलाफ और यहाँ पर जो संभावना है विकास का, उन संभावनाओं के लिए लड़ेंगे ये तय है। चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये नहीं पता है, ये निर्भर करता है कि हमारी पार्टी उस पर क्या डिसीजन लेती है और जो हमारे पॉसिबल एलाइज हैं, जो गठबंधन जिनसे होने की संभावना है, उन लोग के द्वारा क्या सामूहिक रूप से तय किया जाता है सर्वसम्मति से, इसके आधार पर निर्णय होगा। और मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की चाहत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
क्षेत्र की जनता क्या सोचते हैं और जिस उस राजनीतिक दल से उस व्यक्तिगत व्यक्ति का जुड़ाव है उस राजनीतिक दल का क्या सामूहिक निर्णय होता है ये उस पर निर्भर करेगा। चुनाव तो बहुत कुछ कहा जाता है, कहा तो ये भी जाता है कि हमने देश के खिलाफ कुछ बोला है, 3 साल हो गया है कोई चार्जशीट नहीं है। देखिए ये ना जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनके पिट्ठुओं का ये काम है और पूर्णतः जो है ये शासन और प्रशासन की नाकामी है। छोटे छोटे अलग अलग जाति और धर्म के किसान हैं जिनके पास 2 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन है जिसके ऊपर जो है इस तरह की का अवैध कब्जा जो है वो कराया गया है। ऐसा नहीं है कि भूमिहीन लोगों के पुनर्वास का सवाल नहीं है, वो सवाल है और ये दोनों जिम्मेवारी सरकार की, इस ज़मीन को खाली कराना और जिनके पास कागज है उनको जो है उसका मलिकाना हक दिलवाना, और जो भूमिहीन लोग हैं जिनको आगे करके शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग जो ये साजिश रच रहे हैं उनके भी समस्याओं का सही तरीके से निष्पादन हो। और कई ऐसी ज़मीनें हैं जो गैर मुजरवा आम है जिस पर पर्चा काट करके उनका पुनर्वास जो है वो कराया जा सकता है। जानबूझ करके सरकार में बैठे हुए लोग जो सरकार की नाकामी है उसको छुपाने के लिए और जो आवाज़ है प्रतिरोध की और विरोध की उसको बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई है। लाल झंडे को नीले झंडे को बदनाम करने के लिए यह जो है साजिश पूरी तरह से रची गई है। और इस मामले में हम सीधा सरकार से सवाल करते हैं कि आप अविलंब जो है यह अवैध कब्जा जो है उसको समाप्त कराइए, वहाँ पे जो है कानून व्यवस्था को पुनर्स्थापित कीजिए और जो भूमिहीन परिवार हैं उनके लिए भी जो है सही तरीके से प्रॉपर जो है पुनर्वास की को मुहैया कराइए, ये मांग है।